अस्सलाम वालेकुम, आयशा में किचन में आपका स्वागत है। आज हम हरा भरा कबाब बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने पानी बॉईल करने रखा है और पालक को तोड़ के वॉश करके अच्छे से रख लिया है। अब हम इसे बॉईल पानी हो जाएगा तो उसमें हम पत्ते डाल देंगे पालक के। पानी हमारा बॉईल होने आया है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के पालक डाल देंगे। हमारा पालक बॉईल आ गया है, अब हम इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए रखेंगे और हम जब तक चिल्ड वाटर इसके लिए तैयार करते हैं। हमने चिल्ड वाटर तैयार कर लिया है, अब हम इसको फ्लेम बंद करके इसको निकालेंगे। चिल्ड वाटर में डालेंगे। चिल्ड वाटर में हम इसलिए डालेंगे ताकि इसका कलर एज इट इज रहे, इसका कलर चेंज नहीं हो। पालक हमारा ठंडा हो गया, अब हम इसे अच्छे से इस तरह दबा दबा के इसका पानी निकाल के जार में डालेंगे। हमने सारे पालक इसी तरह निकाल लिए, अब हम इसमें लहसुन डालेंगे, 4 लहसुन की कली डालेंगे, 2 हरी मिर्ची हमने ली है, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। 2 आलू हमने बॉईल किए जिसे हम मैश कर लेंगे। आलू हमने मैश कर लिए, अब हम इसमें पालक पीसे हम वो ऐड कर देंगे। सब मसाले डालेंगे, मैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हमने ये अमचूर पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून हमने जीरा पाउडर लिया है और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग है। थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, 2 चम्मच हमने चावल का आटा लिया है, बेसन हमें जितनी ज़रूरत होगी इसके हिसाब से ले लिया, ज़रूरत पड़ने पर हम और मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें पानी नहीं मिलाना है, इसके अंदर ही हमें मैश करना है। अब हम ऑयल हाथ में लगा के इसके देखते हैं बाइंडिंग हो रही है कि नहीं। हमें इस तरह रखना है कि इसकी बाइंडिंग हो जाए।
इसके अंदर एक चीज़ का क्यूब डालेंगे। हम इसको चावल का आटा है इसके अंदर हम घुमा लेंगे ताकि ये कुरकुरे बने। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। देखिए हमने सब तैयार कर लिए, ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालते जाएंगे। हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये एकदम जले नहीं हमारे। देखिए हमारे अच्छे गोल्डन हो गए फ्राई, अब हम इसको पलट देंगे। दूसरे साइड से भी हमारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमने ये निकाल लिया, इसी तरह हम दूसरे भी फ्राई करने के लिए डाल देंगे। देखिए हमारे हरे भरे कबाब तैयार हो चुके हैं, आप चाहें तो इसे सॉस के साथ खाएं, किसान केचप सॉस के साथ खाएं, या फिर आप हरी चटनी के साथ खाएं, इमली की चटनी के साथ खाएं, जैसा आपका दिल चाहे वैसा खाएं। और हम अपनी दुआ में शामिल करें, हमें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपनी दुआ में शामिल करें। मिलते एक नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।